फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मटर की पूड़ियों की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। इसे आप अचार मिर्ची के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं और इसे आप बच्चों के टिफिन में भी देख सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मटर की पूड़ियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल मटर, दो मिर्च हरी मिर्च ली है कच्ची, एक आलू बॉयल किया हुआ है ये हमारा, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस थोड़ा बॉयल हो जाए अच्छे से। बेसन एक बड़ा चम्मच, आटा 200 ग्राम करीब लिया है यहाँ पर, काला नमक लिया है मैंने, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च और साथ में अजवाइन, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पूड़ियों में। तो सबसे पहले मटर को पीस लेंगे, एक बाउल लिया है मैंने, मिक्सिंग ग्राइंडर में पीस लेंगे, साथ ही हरी मिर्च भी पीस लेंगे इसी के अंदर, हम दोनों हरी मिर्च को भी इसी में डाल देते हैं। अब इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है हमारा। सबसे पहले बाउल में हम आटा डालेंगे, बेसन डालेंगे, ये एक बड़ा चम्मच बेसन है, साथ ही डालेंगे काला नमक, आप चाहें तो सफेद वाला नमक भी यूज कर सकते हैं, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और साथ में एक चम्मच करीब तेल डालेंगे। इससे पूड़ियां बहुत खस्ता बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। आलू को हम क्रश करके डाल देंगे इस तरह से कद्दूकस में, आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, पर अगर क्रश करके डालेंगे तो ये इवनली सब जगह स्प्रेड होगा और इसकी गुठलियां नहीं रहती है, इसलिए मैंने क्रश करके डालना ही अच्छा रहता है इसमें। आलू को इस तरह से हम क्रश करके डाल लेते हैं और जो ये मटर का पेस्ट हमने बनाया था वो सब डाल देंगे हम इसमें, ये पीसी हुई हमारी मटर हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसे गूंथ लेंगे अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से इसे गूंथ लीजिए। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं इसमें पानी, लेकिन हमारा आटा इसी से गूंथ जाएगा क्योंकि मटर में और आलू में दोनों में ही काफ़ी मॉइस्चर होता है, उसी से देखिए हमने आटा गूंथ लिया है। ये थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है क्योंकि पूड़ियाँ बनानी है हमें, जैसे चपाती का आटा रहता है उससे थोड़ा सा सख्त गूंदिए इस आटे को, और इसमें थोड़ा सा तेल, एक चम्मच करीब तेल लगाकर हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब इसकी लोई तोड़ लेंगी मैं हम यहाँ पर, जैसे पूड़ियों की लोई तोड़ते हैं उसी तरह से, उस हिसाब से आप इसकी लोइयाँ तोड़ के रख लीजिए। अब इसके पेड़े बनाएंगे हम इसे दोनों हाथों हथेली में इस तरह से बीच में लेकर, इस तरह हम अपने पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं पूड़ियों के लिए। तो ये सारे पेड़े बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं यहाँ पर। इसमें ये क्योंकि ये सख्त आटा है, इसमें ज़्यादा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपको चाहिए तो आप हल्का सा इसमें आटा लगा सकते हैं बेलते वक्त, और अगर ना ज़रूरत हो तो ना लगाएं, थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा के भी आप इसे बेल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह हम बिना ही आटा लगाए इसे बेल रहे हैं पूड़ियों को। तो ये सारी पूड़ियां मैंने बेलकर तैयार कर ली है, इसमें थोड़े थोड़े हल्का सा मटर भी दिख रहा है, ये देखिए। तेल को अच्छा सा गर्म कर लीजिए, अच्छे तेल में, हम गर्म तेल में हम इसे डालेंगे पूड़ियों को, थोड़ा सा इसके किनारे दबा दीजिए ताकि पूड़ियां आपके अच्छे से फूल जाएं। आप चाहें तो इसे ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं पूड़ियों में इस तरह से, ये देखिए किनारों को कलचे से इस तरह से दबाते हुए पूड़ी को हम फुला लेंगे। ये देखिए हमारी पूड़ी पूरी तरह से फूल गई है, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से सेकेंगे, तभी ये क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। आप इसे सफ़र पे ले जा सकते हैं, आप इसे नाश्ते में, सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं अचार मिर्च के साथ, बस ये पूड़ियों के साथ कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं होती। पूड़ियाँ इतनी टेस्टी लगती हैं मटर की पूड़ियाँ, और गर्मा गर्म खाएं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियों को अपनी तल लेंगे, ये देखिए हल्का हल्का सा दबाते हुए, क्योंकि इनमें मटर रहते हैं तो थोड़ा सा फूलने में थोड़ी सी दिकदारी होती है, लेकिन इस तरह से ये देखिए आप इसे सारे पूड़ियों को फुला लेंगे, तो ये पूड़ियाँ हमारी इस तरह बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी लगती है। आप इसे प्याज के साथ, अचार मिर्च के साथ खाइए, दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हो तो लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनाने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।